मणिबंध में पहली रेखा ऑलमोस्ट हर किसी के होती है, कई के हाथ में नहीं भी होती है, तो अल्प आयु भी होता है। एक मणिबंध जो है वो 30 वर्ष का आता है। दो मणिबंध होने से ऐसा व्यक्ति 60 साल तक बिल्कुल प्रॉस्पेरस विदाउट एनी वो बीमारी, इलनेस, विदाउट एनी इलनेस, बहुत प्यार से आराम से जीता है। थर्ड भी मणिबंध बना तो ऐसे व्यक्ति का जो है करीब 80 से 90 साल की उम्र तक ऐसा व्यक्ति फिट रहता है। कईयों का देखिएगा उम्र हो गई है लेकिन फिर भी फिट है, ठीक है। और अगर कहीं से भी मणिबंध रेखाएं एक कंप्लीट बनी है, दो कंप्लीट बनी है और एक जो है आधा बीच में रह गया, खत्म हो गया, या फिर इस तरह से आगे जाकर दूसरे मणिबंध से कनेक्ट हो गया, तो उस आयु में, यानी कि अगर पहला मणिबंध ठीक है तो 30 साल, दूसरा मणिबंध ठीक है तो दोबारा 60 साल, फिर तीसरे मणिबंध में अगर बीच में खत्म हो जा रहा है तो इस व्यक्ति की आयु 75 साल रहेगी, 75। और कैसी रहेगी? यह व्यक्ति बहुत प्रॉस्पेरस, मतलब बहुत आराम से, अगर जितनी साफ मणिबंध रेखाएं रहेंगी उतना ही जीवन साफ सुथरा होगा, और जितनी ज्यादा उसमें जंजीरें दिखेंगी, बहुत ज्यादा छोटे 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 द्वीप दिखेंगे, इस तरीके से ज्यादा इस तरह का पेच रहेगा, तो ऐसे लोगों को उतना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशन रहेगा लाइफ में, कभी अप्स एंड डाउन्स। लेकिन जिनके पास बुक है, पेज नंबर 181 में नीचे देखिए, 565, चित्र 565 लिखा हुआ है, उसमें देखिए लिखा हुआ है 25, 50, 75, 100, ठीक है। लेकिन इसको 30 भी लेते हैं, 30, 60 एंड 90, क्योंकि विंशोत्तरी दशा के अनुसार एक मनुष्य की जो आयु है वो 120 साल की होती है, इसलिए एक मणिबंध को हम 30, 30 के हिसाब से चलाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ 25, 25 को भी मान सकते हैं, लेकिन मैं नॉर्मली 30 को ज्यादा अप्लाई करता हूँ, आप लोग 25 भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रथम मणिबंध रेखा 1 से 25 वर्ष का समय, दूसरा मणिबंध रेखा 26 से 50 वर्ष का समय, तृतीय मणिबंध रेखा 51 से 75 वर्ष तक का समय, तथा चतुर्थ और अंतिम मणिबंध 76 साल से 100 वर्ष तक के समय को दर्शाती है। यहाँ मणिबंध रेखाओं के द्वारा फलादेश से संबंधित केवल एक अनुमान लगाया जा सकता है कि पूर्ण रूपेण सही फलादेश करने हेतु हाथ के अन्य लक्षण भी देखने चाहिए, सिर्फ मणिबंध के ऊपर सारी चीजें डिपेंड नहीं होती। मणिबंध से मेनली जो है आप कितने ज्यादा प्रॉस्पेरसली, यानी हेल्थ वाइज प्रॉस्पेरिटी, मनी वाइज प्रॉस्पेरिटी, मेंटेलिटी मतलब मेंटल पीस वाइज प्रॉस्पेरिटी, ये तीनों को देख सकते हैं। तो मणिबंध जितना ज्यादा साफ रहेगा व्यक्ति के जीवन में, उतना ही ज्यादा कम टेंशंस, कम प्रॉब्लम्स होंगी। मणिबंध में जितना ज्यादा प्रॉब्लम होगा उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम होगा, जैसे टूटी फूटी मणिबंध रेखा, द्वीप युक्त, क्रॉस युक्त, अस्पष्ट रेखा कमजोर स्वास्थ्य तथा संघर्षमय जीवन को का होना दर्शाती है। अब आप लोग देखिए मणिबंध, आप लोग हमेशा ऐसे देखना, इस तरह फोल्ड कर लेना हाथ, ठीक है, इस तरह से फोल्ड करके देखो कितने सारे फोल्ड आ रहे हैं, उस हिसाब से आपका हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी को ये दिखाएगा। हाँ।